भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के इस शहर में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और सभी को अयोध्या का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसका जायजा लिया भारत सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अपूर्व चंद्रा ने। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर का निरीक्षण किया और साइट इंजीनियरों से पूरे काम की जानकारी ली। निरीक्षण में सचिव अपूर्व चंद्रा के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। अपूर्व चंद्रा ने मंदिर निर्माण के लिए कहा कि यह किसी एक धर्म की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र बन रहा है और यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। पहले तो यहाँ पर जो है पुलिस लगी रहती थी और जो है कहीं आपका जाना पॉसिबल नहीं था। मंदिर जो है कहाँ बनेगा इसका भी कुछ पता नहीं चलता था और अब देखिए आपकी इतनी भव्य इमारत हमारे सामने दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष यहाँ भूमि पूजन किया और अब जो जैसा कार्य चल रहा है उसमें पूरी अपेक्षा है कि दिसंबर 2023 में इसी वर्ष में यहाँ पर जो है रामलला की मूर्ति को प्रस्थापित किया जाएगा और यहाँ पर इस पब्लिक के लिए यहाँ खुलेगा और यहाँ पर जो है जो राम की जो जन्मस्थली थी वहीं पर जो है लोग पूजा कर पाएंगे। राम मंदिर के लिए उत्सुकता तो कई सौयों वर्षों से जनता में थी और अब जो है ये सापेक्ष देख रहे हैं और यहाँ पर जो है अब इसका मूर्त स्वरूप अब देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबको ही पूरी अपेक्षा है और जैसा कि बताया गया कि आज यहाँ पर 25,000 से अधिक लोग रोज़ आते हैं पर जैसे ही मंदिर पूरा होगा अपेक्षा यही है कि लाख से भी ऊपर आएंगे और जो फेस्टिवल रामनवमी जैसे में तो और कितने अधिक लोग आएंगे। और ये केवल देश का ही लिए ही मंदिर नहीं है, केवल हिंदू समाज का ही नहीं है, सभी समाजों के लिए और देश विदेश सब जगह से लोग तीर्थ पे आएंगे। अपूर्व चंद्रा ने राम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में बन रहे आधुनिक रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। यह स्टेशन अपने आप में एक बहुत ही आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। साथ ही यह स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला 3 मंजिला रेलवे स्टेशन होगा। ये जो स्टेशन बन रहा है ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टेशन है और इसमें जो है ये सोच के बनाया जा रहा है कि कभी 4 से 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में यहाँ पर आएंगे क्योंकि वाराणसी में आ जाते हैं उसको देखते हुए बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम ना पड़े और जो अपेक्षा है कि जैसे जैसे राम का मंदिर बनता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर रेलवे लाइन की भी डबलिंग की जा रही है जिससे कि यहाँ अधिक ट्रेनें चलाई जा सके। आज जो है सिंगल लाइन है इसलिए ट्रेन कब आती है तो ये भी संख्या बढ़ेगी और मेरे को लगता है कि हमारे देश में दूर दराज से जो दक्षिण से पश्चिम से दूर दराज के क्षेत्रों से उत्तर से जहाँ से भी लोग आएंगे लंबा सफ़र तय करके राम मंदिर जब बनेगा पहली बार दर्शन करने आएंगे तो उनको काफ़ी ये सुविधा देगा ये वाला जो स्टेशन बना है। यहाँ पर केवल स्टेशन की तरह नहीं यहाँ पर जो लोगों के लिए रिटायरिंग रूम रहने की व्यवस्था फूड कोर्ट बहुत सारी व्यवस्थाएँ करी गई हैं। चंपत राय ने राम जन्मभूमि के बारे में कहा कि जो भी यहां दर्शन करने आएगा वह सबसे बड़ा आत्मिक परिवर्तन अपने आप में पाएगा और दर्शन के बाद वह राम के गुणों को अपने साथ लेकर जाएगा। मंदिर 3 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर पर रामलला होंगे और ग्राउंड फ्लोर पर दर्शन का कार्य हमने सार्वजनिक घोषणा की है दिसंबर 2023, तो आप इसको मान लीजिए जनवरी में दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ राम का दरबार रहेगा, सेकंड फ्लोर केवल ऊंचाई देने के लिए है इसलिए ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर 2024 के अंत तक कंप्लीट करके पताका ध्वजारोहण हो इस टाइम फ्रेम में काम किया जा रहा है।